नमस्ते, रामनवमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज का वीडियो एक सेक्टर पे होने वाला है और यूजुअली क्या होता है कि सेक्टर रोटेशन का पार्ट है, एक सेक्टर चलेगा, दूसरा सेक्टर डाउन आएगा, कोई एक आधा सेक्टर होता है साइडवेज चला जाए जहां एक्यूमुलेशन हो रहा है, और इनफैक्ट जहां पर हो चुका है वो सेक्टर वापस से घूमकर एक अपट्रेंड दिखा सकता है। बट उससे भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या होता है कि जैसे जैसे सीजनल चेंज आएगा, जैसे कि एग्जाम्पल लेते हैं कि होटल इंडस्ट्री है, और होटल इंडस्ट्री में क्या होगा, लोग समर वेकेशंस वगैरह पे जाएंगे या थोड़ी सी वेडिंग्स वगैरह बढ़ेंगी, तो इसमें एक अच्छी खासी सेल्स होगी और प्रॉफिट वगैरह होगा। तो यूजुअली जैसे ही समर सीजन आना शुरू होता है, ये यहाँ से होटल सेक्टर में थोड़ा थोड़ा सा एक एक्यूमुलेशन या पिकअप देखना शुरू हो जाता है। लास्ट ईयर की बात है, एक पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करता हूँ स्टॉक पे जाने से पहले। लास्ट ईयर की बात है जब मैं शिमला घूमने गया था, और तब मैंने क्या देखा कि मैंने होटल वाले को बोला कि मुझे अपना रूम एक दिन के लिए एक्सटेंड और करना है। उसने बोला, सर सॉरी, वी आर सोल्ड आउट। गोवा बीबो पर गया और देखा आसपास जितने भी 4-5 स्टार होटल है, सब सोल्ड आउट। फाइनली जाकर एक 3-3.5 स्टार होटल मिला जिसमें चेक इन वगैरह मिला, जिसमें मुझे एक्सटेंड कर रहा था अपना स्टे। जब मैंने देखा इतनी भीड़, और फिर होटल स्टॉक्स में क्या मैसिव रैली आई थी, और इसके ऊपर मैंने ट्वीट भी करा था कि मैं यहां पर घूमने आया हूं एंड ट्रेडर इज अ नेवर ऑन हॉलीडे, और आसपास देख रहा था कि क्या चल रहा है। इसी तरीके से होटल स्टॉक्स में वापस से पिकअप आने वाला है, बट काफी सारे होटल स्टॉक्स हैं। तो मेरा क्या फिल्टर रहेगा उन होटल स्टॉक्स को पिक करने के लिए, ये इस वीडियो में देखने वाले हैं। हाय एवरीवन, माय नेम इज विभोर वाशने, आई एम अ सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट। आज की वीडियो में हम 4 ऐसे होटल स्टॉक्स डिस्कस करेंगे जिसमें एक मोमेंटम बनता हुआ दिखाई दे रहा है, प्रॉपर टेक्निकल एनालिसिस करेंगे और लेवल्स भी देखने वाले हैं। चलते हैं अपने वीडियो पर। बट यस, बिफोर मूविंग अहेड, अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है या न्यू यूजर हो, सब्सक्राइब द चैनल। जैसे ही कोई भी वीडियो आएगा वो आपको एग्जैक्टली ऑन द बोर्ड मिल जाएगा, आपके पास नोटिफिकेशन आ जाएगा। जैसे कि फॉर एग्जांपल मैंने यहां पर एक दिन पहले ये डाला था, जहां पर हमने लो पीई रेशियो या कम डेट वाले स्टॉक्स और हाई डिविडेंड यील्ड वाले देखे थे। पहले दिन में ही एक स्टॉक 4% ऊपर, कोई स्टॉक 3.5% ऊपर था, क्योंकि यहां पर हमने टेक्निकल भी एक्सप्लेन करा था इस वीडियो में, और उससे भी मोस्ट इंपॉर्टेंट बात, यहां पर मैंने फंडामेंटल भी दिखाए थे। चलते हैं अपने वीडियो पर विदाउट वेस्टिंग टाइम, देखते हैं आज कौन कौन सा स्टॉक हम लोग पिक करने वाले हैं। इंडियन होटल्स, होटल इंडस्ट्री का डेफिनेटली बादशाह या जिसे किंग बोला जाए, डेफिनेटली मुझे एक चीज तो दिखाई दे रही है कि यहां पे एक मैसिव रैली तो आई है। उस मैसिव रैली के बाद यहां पे ये डेफिनेटली एक अच्छा खासा रनअप के बाद इस फेज में साइडवेज चला गया है, तो इसे मैं फ्लैग पैटर्न भी बोल सकता हूं, कंसोलिडेशन पैटर्न भी डेफिनेटली बोल सकता हूं। ठीक है, अब यहां पर ये रैली तो आई है, बट इस रैली में इस टाइम क्या चल रहा है वो भी एक बारी को जल्दी से नजर मार लेते हैं कि इस टाइम स्टॉक में क्या चल रहा है। अब लोग लास्ट टाइम भी देखो तो यहां पर स्टॉक में 2% के आसपास का मूव तो दिखाई दे ही रहा है, और यहां पर कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है कि ये स्टॉक काइंड ऑफ ये 300 का जो लेवल है वहां से एक डबल बॉटम बनाने का डेफिनेटली ट्राई कर रहा है। काइंड ऑफ एक बुलिश एंगल्फिंग भी मिली, उसका फॉलोअप भी आ रहा है, लास्ट टाइम भी यहां पर काइंड ऑफ अ किकर पैटर्न भी बना हुआ था। ठीक है, ओवरऑल ट्रेंड की बात कर लेते हैं एक बार। अगर मैं स्टॉक का एक बार वीकली चार्ट देखता हूं कि वीकली चार्ट किस तरीके से चल रहा है, हाँ बोलो, यहां पर क्या बना हुआ है, इनसाइड बार पैटर्न, मल्टीपल इनसाइड बार। पहली एक कैंडल अच्छी खासी बनी, 1, 2, 3, 4, 5, 6 ऑलमोस्ट 10 हफ्ते की कंसोलिडेशन चल रही है, कि यानी कि यहां पर एक रैली आए। उससे भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या था, ये देखो ये वॉल्यूम्स, पहले यहां पर एक वॉल्यूम जनरेशन हो गया, फिर एक वॉल्यूम जनरेशन हो गया। अब लोग वेट कर रहे हैं जैसे जैसे सेल्स बढ़ेगी, एनालिसिस होंगे, जैसे जैसे होटल इंडस्ट्री की तरफ से डेटा आना शुरू होगा, तो यहां से एक स्टॉक में अच्छी खासी रैली आ सकती है। कोई चाहे तो इस इनसाइड बार के बाद भी ट्रेड कर सकता है कि इनसाइड बार का ब्रेकआउट आ गया, अब मैं उसके बाद ट्रेड कर रहा हूं। कोई चाहे तो यहां पर भी ऐड कर सकता है 319 रुपए के आसपास सेम लेवल्स के साथ, काइंड ऑफ ये लेवल्स का स्टॉप लॉस रख के इजीली ट्रेड किया जा सकता है। और डेफिनेटली ओवरऑल ट्रेंड की बात करी जाए तो अभी भी यहां से मुझे एक क्लियरली बुलिश दिख रहा है। इसके लिए मैं क्या करूंगा, एक ट्रेंड लाइन यहां से पिक कर लूंगा।
ये देखो, ये यहां पर ये जो ट्रेंड लाइन चल रही है यहां से लेकर अभी तक मेंटेन्ड है, तो मैं क्या करूंगा, इस ट्रेंड लाइन तक अपना स्टॉप लॉस रखूंगा। जैसे ही इस ट्रेंड लाइन के नीचे स्टॉक गया, मैं इमीडिएटली यहां पर एग्जिट करने वाला हूं। पहला स्टॉक मेरा रहेगा होटल इंडस्ट्री में इंडियन होटल्स। चलते हैं दूसरे स्टॉक की तरफ, दूसरा स्टॉक लेमन ट्री। लेमन ट्री में भी क्या हुआ, यहां पर कल दिखाई दे रहा है कि 5% का अच्छा खासा मूव तो आया, बट ओवरऑल मुझे दिख रहा है कि शॉर्ट टर्म में थोड़ा सा यहां पर एक फॉल आया है। प्रोबेबली जहां पर जनवरी फरवरी के आसपास अगेन होटल्स की सेल्स नहीं होती है, और मोस्ट इंपॉर्टेंट अगर मैं इसका चार्ट भी देखूं, और यहां पर भी मुझे एग्जैक्टली वही कंसोलिडेशन दिखाई दे रहा है जो मुझे इंडियन होटल्स के टाइम पर दिखाई दिया था, कि स्टॉक ऑलमोस्ट 2 महीने से एक कंसोलिडेशन रेंज में जो ऑलमोस्ट सिर्फ 7-8 पॉइंट के ब्रैकेट में ही ट्रेड कर रहा है। ओवरऑल ट्रेंड पे एक बार नजर मारते हैं कि इसका ओवरऑल ट्रेंड का स्ट्रक्चर क्या चल रहा है, क्या पहले ट्रेंड बुलिश था, क्या पहले ट्रेंड बियरिश था, और अब क्या चल रहा है। तो यहां पर भी ये तो दिखाई दे रहा है कि ट्रेंड ओवरऑल यहां पर भी बुलिश है अच्छा खासा। एक काम करते हैं, इसका एक बार वीकली चार्ट लेकर आते हैं और वीकली चार्ट में देखते हैं कि क्या चल रहा है। हाँ वालों, अगेन सेम स्ट्रक्चर, यहां पर भी एक अच्छा खासा इनसाइड बार पैटर्न बना हुआ है। वन मिनट, ये जो मैं इनसाइड बार पैटर्न की बार बार बात कर रहा हूं, इंडियन होटल्स में देखा, लेमन ट्री में देखा, अगर अभी तक आपने इनसाइड बार पैटर्न नहीं देखा है, आपको कुछ नहीं करना, यहां पर प्लेलिस्ट में जाना है। प्लेलिस्ट में आप जैसे ही क्लिक करोगे यहां पर आएगा प्राइस एक्शन स्ट्रैटेजीज प्लेलिस्ट। प्राइस एक्शन स्ट्रैटेजीज प्लेलिस्ट में पहली वीडियो आपको मिल जाएगी इनसाइड बार की, और यहां पर 1,37,000 व्यूज तो है ही है। उससे भी मोस्ट इंपॉर्टेंट बात क्या है कि यहां पर डिस्क्रिप्शन में आपको इसका स्क्रीनर भी मिल जाएगा, आपको इसका इंट्राडे और पोजिशनल दोनों स्क्रीनर यहां पर मिल जाएंगे, जाकर आप अपनी लर्निंग स्टार्ट कर सकते हो। तो यहां पर मुझे क्लियरली दिखाई दे रहा है कि 10-12 हफ्तों से, इनफैक्ट मोर देन दैट, यहां पर एक अच्छा खासा कंसोलिडेशन बना हुआ है। ठीक है, वापस डेली चार्ट पे आते हैं और क्विकली लेवल्स देखते हैं कि स्टॉक के लेवल्स क्या चल रहे हैं। हाँ बोलो, यहां पर भी लग रहा है कि एक ट्रेंड लाइन डाली जा सकती है, यहां से लेकर एक स्टीप ट्रेंड लाइन डाल के देखते हैं। अब लोग, इसकी ट्रेंडलाइन भी सीधा यहां पर अभी भी इंटैक्ट है इंडियन होटल्स के साथ, और उससे भी मोस्ट इंपॉर्टेंट जो मुझे एक और अच्छी चीज लग रही है इस स्टॉक में, ये देखना, पहले सेम लेवल जो था वो यहां पे रेजिस्टेंस रेजिस्टेंस रेजिस्टेंस, और जैसे ही ब्रेकआउट आया वापस से ही बन गया सपोर्ट सपोर्ट और सपोर्ट। 3 बार एग्जैक्टली सेम लेवल से यहां पर अच्छी खासी रीटेस्टिंग हुई है। तो मैं यहां पर चाहे इस ट्रेंड लाइन के नीचे अपना स्टॉप लॉस रख सकता हूं, मैं ये वाली ट्रेंड लाइन हटा देता हूं ताकि मुझे यहां पर दिखाई देता रहे कि मेरा स्टॉप लॉस स्टॉक के साथ ट्रेल चल रहा है। ये हो गया हमारा दूसरा स्टॉक, चलते अपने तीसरे स्टॉक की तरफ। तीसरा स्टॉक रॉयल ऑर्चिड। रॉयल ऑर्चिड होटल्स में क्या हुआ, एग्जैक्टली सेम स्ट्रक्चर की बात करी जाए तो यहां पर बुलिश इंगल्फिंग तो बना ही बना, प्लस उससे भी मोस्ट इंपॉर्टेंट बात, कल यहां पर 13% का मूव आया था, और 13% का मूव आया बट लुक एट वॉल्यूम्स, बाप रे 2 मिलियन की वॉल्यूम का बार ऐसा कहीं नहीं दिखाई दे रहा। तो प्रॉपर कोई हो सकता है ब्लॉक डील हुई हो, बल्क डील हुई हो, किसी ने अच्छा खासा एक्यूमुलेट किया हो। अब यहां पर टेक्निकल एनालिसिस की बात करी जाए, ये वाली जोन ज्यादा बन रही है, जहां पर क्लियरली मुझे दिखाई दे रहा है कि यहां पर एक अच्छा खासा मोमेंटम बन रहा है। 220 के आसपास, 220 के लेवल्स के नीचे स्टॉक क्लोज नहीं दे पा रहा, थोड़ा सा राउंड ऑफ करके हम 215 के आसपास एक स्टॉप लॉस रख सकते हैं, और प्रोबेबली यहां से स्टॉक वापस से एक अपनी जर्नी स्टार्ट करने के लिए ऊपर टॉप तक के लेवल्स के लिए यहां तक जा सकता है प्रोबेबली। ठीक है, और उससे भी मोस्ट इंपॉर्टेंट बात, अगेन थर्ड स्टॉक जहां पर मुझे दिखाई दे रहा है कि रैली आई, एक अच्छी खासी रैली आई, उसके बाद कंसोलिडेशन हो गया, उससे भी मोस्ट इंपॉर्टेंट बात देखते हैं कि यहां पर अगेन ब्रेकआउट अवेटेड था और ब्रेकआउट अच्छा खासा आ चुका है। अब एक काम करते हैं, इसका भी एक बार जल्दी से ना वीकली चार्ट देख ही लेते हैं। हमने अभी तक सब स्टॉक के वीकली चार्ट देखे, तो यहां पर भी देख लेते हैं कि वीकली चार्ट में क्या चल रहा है। अगेन हैव अ लुक, थर्ड स्टॉक, और अगेन सेम इंडस्ट्री सेम सेक्टर, जहां पर इनसाइड बार बना हुआ है। अगेन यहां पर भी इजीली मुझे दिखाई दे रहा है कि इनसाइड बार पैटर्न बना हुआ है। 3 स्टॉक हो गए, चलते हैं चौथे स्टॉक की तरफ।
चौथा स्टॉक EIH लिमिटेड। EIH लिमिटेड में क्या हुआ वो समझते हैं। कल यहां पर एक स्टॉक बहुत छोटा सा गैप अप हुआ, फॉलो अप मिला, काइंड ऑफ अ किकर पैटर्न या इंगल्फिंग पैटर्न बोल सकते हो, बट उससे भी मोस्ट इंपॉर्टेंट अब यहां पर इसका एक अच्छा खासा फॉलो अप भी आ रहा है विद द गुड वॉल्यूम्स। यहां पर मैं क्लियरली देख सकता हूं कि पहले यहां पर एक वॉल्यूम बार, दो वॉल्यूम बार, फिर तीसरा वॉल्यूम बार और वॉल्यूम इंक्रीजिंग ऑर्डर में जाता जा रहा है। ठीक है, अब यहां पर देखते हैं कि क्या यह भी किसी सपोर्टिव जोन के आसपास से ही बाउंस हो रहा है या यह स्टॉक या राइट हैव अ लुक, यहां पर यह स्टॉक भी एग्जैक्टली सेम सपोर्टिव जोन के आसपास से बाउंस हो रहा है। जब लास्ट टाइम क्या हुआ, स्टॉक 150 रुपए के लेवल के आसपास आया, फिर वापस से 155, फिर वापस 155 और एग्जैक्टली 150 लेवल के आसपास से ही बाउंस आया। ये वही लेवल है जब लास्ट ईयर एग्जैक्टली सेम लेवल पे कंसोलिडेशन हुआ था। और कंसोलिडेशन की बात करी जाए तो अगेन सेम स्टॉक एक रैली के बाद यहां पर मुझे दिखाई दे रहा है, रैली आई और उसके बाद स्टॉक कंसोलिडेशन फेज में जा चुका है। और चाहे तो यहां पर भी एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ करके देख सकते हैं कि ओवरऑल ट्रेंड क्या चल रहा है। यहां पर भी एक ट्रेंड लाइन डाल के देख लेते हैं, पिन पॉइंट चार्ट में ट्रेंड लाइन डाल के देखता हूं। हैव अ लुक, ये ट्रेंड लाइन भी मुझे दिखाई दे रहा है इंटैक्ट है। चार स्टॉक जहां पर चारों स्टॉक कंसोलिडेशन में गए, ट्रेंड लाइन इंटैक्ट है, मूवमेंट आ सकती है। एक बार जल्दी से इसका वीकली चार्ट देखते हैं और उसके बाद चलते हैं अपने लेवल्स की तरफ। यहां पर मुझे दिखाई दे रहा है कि यहां पर इनसाइड बार मैं लूंगा तो इस वाली कैंडल को लेने वाला हूं। ये कैंडल रहेगी मेरी इनसाइड बार की कैंडल। ये कैंडल नहीं है बट हाँ डेफिनेटली ये कैंडल है जिसको मैं इनसाइड बार कैंडल ले सकता हूं। उससे भी मोस्ट इंपॉर्टेंट बात, ये चार स्टॉक तो हमने देख ही लिए, उससे भी मोस्ट इंपॉर्टेंट बात, पहला स्टॉक जो हमने देखा था इंडियन होटल्स, क्योंकि राजा है होटल इंडस्ट्री का, वापस से उसकी तरफ चलते हैं और एक बढ़िया सी चीज दिखाता हूं। इंडियन होटल्स, अब इंडियन होटल्स में ना हम लोग जो डिस्कस कर रहे थे, यहां पर एक मस्त चीज देखना, जैसे ही सेम लेवल सेम सीजन आना शुरू हो जाता है, जैसे ही सेम लेवल या सेम सीजन आना शुरू हो जाता है। हाँ बोलो, यहां पर क्या हुआ, अप्रैल या मार्च एंड से लेकर अगर मैं नजर मारूं, अप्रैल या मार्च एंड से लेकर, हाँ बोलो, एक अच्छी खासी रैली आई अप्रैल मई जून जुलाई के आसपास, एक अच्छी खासी रैली आई। ये कब की बात है, ये लास्ट ईयर की बात है। ठीक है, एक बार एक काम करते हैं और इसके पीछे चलते हैं, 2021 के आसपास चलते हैं। हाँ बोलो, ये 2021 की रैली और एग्जैक्टली अप्रैल से लेकर यहां पर मुझे अगस्त सितंबर तक अच्छी खासी रैली दिखाई दे रही है। दो बार हो गया, अब एक काम करते और 2020 में चलते हैं, काम करते हैं। डेफिनेटली 2020 में कोविड आया था, उसके बाद सब स्टॉक्स ने रैली तो दी थी, बट होटल इंडस्ट्री की बात करूं तो हैव अ लुक, यहां अप्रैल से लेकर मई जून अगस्त तक एक अच्छा खासा पुल बैक और वापस से ब्रेकआउट, अच्छी खासी रैली आई। बैक टू बैक 3 साल में यहां पर एक अच्छा खासा ब्रेकआउट दे चुका है। ये थे चार स्टॉक होटल इंडस्ट्री से रिलेटेड, जहां पर हमने चारों स्टॉक देखे, उससे भी मोस्ट इंपॉर्टेंट बात, चारों स्टॉक के टेक्निकल एनालिसिस देखे, लेवल्स देखे और यहां पर लग रहा है कि होटल इंडस्ट्री में पिकअप आना शुरू हो चुका है। वीडियो पसंद आया हो तो शेयर विद योर फ्रेंड्स, लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो, लॉट्स ऑफ लव।